बच्चों, पिछले क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज भी हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। स्टेप वाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एटम के मोल कॉन्सेप्ट से चालू करते हैं, फिर मॉलिक्यूल के बारे में आएंगे। मान लीजिए हमको पूछा गया है क्वेश्चन, हम लोग लिखते हैं एक सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक, क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? पहला कैलकुलेट करने बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, दूसरा कैलकुलेट करने बोल रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तीसरा कैलकुलेटर बनने बोल रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक, ये तीन चीज कैलकुलेट कर, ये तो सीधा नंबर ऑफ मोल आपको मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हम लोग किए थे गिवेन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवेन मास कितना है? गिवेन मास है 36 ग्राम। कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। कैसे 12? कार्बन का एक कार्बन का मास होता है 12 AMU, ये सिंगल कार्बन का मास है। तो एक मोल कार्बन का मास क्या है? 12 ग्राम। ठीक है, ये उसका मोलर मास हो गया, 3 मोल अपना आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, मान लो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, पहले कोई बहुत कठिन फॉर्मूला तो नहीं, फिर भी मान लो आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही ना कि 12 ग्राम में 1 मोल होता है। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल कार्बन, 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल कार्बन। तो 36 ग्राम में कितने होंगे? 1/12 × 36, 3 मोल नहीं होंगे, ये तो सॉल्व करना था। ठीक, पहला। दूसरी चीज, मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल नहीं पूछता, सीधा क्या पूछता? नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछते। क्या पूछते? तो मैं आपको क्या बताया था, एक कॉलम बनाइए आप मास का, आपको क्वेश्चन में एक जो दिया हुआ है वो और एक जो पूछा है वो। दिया क्या है आपको? मास ऑफ कार्बन। पूछा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। पहला स्टेटमेंट कितने के लिए लिखना है? 1 मोल के लिए लिखना है। ठीक है, ठीक है ना? तो वही सीन्स तो देयर फॉर अरेंज कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं, बस एक लाइन में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको क्या मालूम है कितने ग्राम में कितने कार्बन होते हैं? फिक्स है, कार्बन का मोलर मास कितना है? मतलब मैं क्या बोला, इसको 1 मोल के लिए लिखना है। तो मास ऑफ वन कार्बन 1 मोल के लिए लिखे, 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। कैसे 1 मोल का 12 ग्राम होगा? एक कार्बन का मास 12 AMU है, इसी को ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, और यही मोलर मास होगा, पिछली क्लास में पढ़े थे ना। तो ये 1 मोल कार्बन का मास हो गया बाय नंबर 1 मोल, मतलब कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम में इतने कार्बन है, तो 36 ग्राम में कितने कार्बन होंगे? बस 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा, तो 6.023 × 10^23, 36 / 12 = 1/3, 18.069 × 10^23 कार्बन एटम्स, इतने कार्बन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, 12 ग्राम कितने कार्बन का वेट है? 1 मोल कार्बन का, तो 1 मोल कार्बन है कितने? इतने के बराबर होता है, तो 12 ग्राम में इतने कार्बन थे, इतने में इतना। इसी को स्कूल में कैसे करेंगे? पहले ये निकालेंगे कि 36 में कितने मोल है, तो आप पहले बार में क्या करोगे, 12 ग्राम = 1 मोल कार्बन, तो 36 ग्राम = 3 मोल कार्बन। फिर क्या करेंगे, 1 मोल कार्बन में इतने आइटम होते, तो 36 में इतने आइटम होते, तो आप डबल करोगे। इसी में अपन एक लाइन में लिखें, ठीक बात? इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसी को आपको स्टेटमेंट के टर्म्स कैसे लिखेंगे, सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेंट्स इतने कार्बन, देयरफॉर 36 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेंट्स, ऐसे करके लिखना है। मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, लिख के बताऊं एक बार, देखिए। सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेंट्स
हमको कैसे पता चला 12 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन है? क्योंकि ये एक मोल कार्बन का मास है, एक मोल बायोमास 12 ग्राम के बराबर और बाय नंबर इतने के बराबर है, तो 12 ग्राम में इतने होते, तो 36 ग्राम में कितने होंगे? तो 6.023 × 10^23 / 12 × 36 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो नंबर ऑफ मोल से तो नंबर ऑफ ग्राम एटम है। आप कितना मोल निकाले थे? 3 मोल निकाले थे, गिवन मास अपन मोलर मास किए थे, तो है ना, तो गिवन मास अपन मोलर मास करके जो नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो एटम के केस में नंबर ऑफ मोल्स को ही क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो 3 ग्राम एटम उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये एटम के लिए बात हो गई। ठीक है, इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है साथ में, अलग जैसे मान लीजिए कैलकुलेट द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। ये तो तीनों क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ वन कार्बन, मास ऑफ वन कार्बन इन ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ वन कार्बन इन ग्राम। ठीक है, देखिए आपको क्या मालूम है, कितने कार्बन का मास आपको मालूम है? सर हमको मालूम है कि एक कार्बन का मास 12 एम ही होता है, पर आपको तो ग्राम में पूछा है ना। ठीक है, तो आप चाहो तो ये इसमें सीधा आप क्या करोगे, ऐसा करके आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के। ठीक है, पर ऐसा करोगे तो क्या होगा, स्कूल में नंबर नहीं देंगे, क्योंकि स्कूल में ऐसा सॉल्व नहीं, मतलब बुक में ऐसा सॉल्व नहीं किया है, भाई गलत नहीं है एग्जैक्ट है ना, फिर भी इसमें नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं दिया। तो कैसे करें, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज करके इसको बनाना है। क्या मालूम है आपको, आपको मालूम है कि एक मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कितने मोल कार्बन का मास है? एक मोल, मतलब 6.023 × 10, इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस मास ऑफ इतने कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू जाएगा 12 / 6.023 × 10^23। इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटू वन करने का कोई मतलब नहीं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, आपको अपने हाथ से यूज बनाना पड़ेगा, स्कूल में कैलकुलेटर नहीं, पर अपने पास समय बचाने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 12 / 6.023 आ जाएगा 1.99, 12 / 1.99 × 10^-23 आ जाएगा, 23 ऊपर आ जाएगा ग्राम। ठीक है, एक बार हम लोग जो ये तो हो गया सॉल्व कर लिए, ठीक है, एक बार उससे भी बना के देखते हैं जो आप पहले बनाए थे, जो मैं आपको बोला था। ठीक है, आपको क्या करने बोला था, एक कार्बन का मास के लिए 12 × 1.66 × 10^-24, ये जो आएगा 19-20 का अंतर आएगा, पर एक लगभग वही आंसर आएगा। देखिए 12 × 1.66 यार है 19.92 × 10^-24। इसको अगर आप छोटा करेंगे मतलब ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होना निगेटिव पावर का, तो आया वही आएगा वही, लेकिन यही है कि जैसा बुक में दिया रहता है उस टाइप का सॉल्व करने बोलते हैं। भाई आपको मालूम है कार्बन का मास 12 है, पर उसको सॉल्व करके निकालना है कि इतने का मास इतना होता है, तो एक का मास कितना होगा। ऐसे ही आप एटम के लिए कर सकते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल के लिए कर सकते हैं। मैंने अभी ये बात किसके लिए बताई है, एटम के लिए बताई है। इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको मॉलिक्यूल के लिए बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।